हेलो फ्रेंड्स, मैं जय। स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे, जो सितंबर के माह का इम्पोर्टेंट डे है, उस वीडियो को देखेंगे, वो भी संपूर्ण इफेक्ट के साथ। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, 1 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसके अंदर जो है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मनाने का, कि इसको जो है पोषण की जो है संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से दी जा सके और इसकी जागरूकता फैलाई जा सके कि पोषण से कितना आवश्यक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है? टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उनके जन्मदिवस के ऊपर जो है शिक्षक दिवस को मनाया जाता है हर वर्ष 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। साक्षरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष इसे 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो 8 सितंबर को है वह फिजिकल, शारीरिक, जिसे हम बोलते हैं विश्व शारीरिक थेरेपी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी 8 ही सितंबर को मनाया जाता है। पेशे के तौर पर जो योगदान के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को भलाई और स्वास्थ्य में सुधार के लिए, दुनिया भर के जो भौतिक चिकित्सक हैं यानी फिजिकल जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए इसे 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को? तो है हिंदी दिवस के रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के संविधान सभा ने 1949 में देवनागरी लिपि उसको में लिखी थी। जो संविधान सभा है उसने देवनागरी लिपि में लिखी थी और हिंदी को भारत गणराज्य की जो क्या है आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था 1949 के दिन, इसी दिन यानी 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को जो है लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 को मनाया जाता है, ताकि लोगों को लोकतंत्र के बारे में जान सके। मलेशिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेशिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेशिया दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसे हरी मलेशिया के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया वीडियो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इस 2020 का जो समुद्री दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी एक स्थायी ग्रह के लिए सतत स्पीकिंग। और यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। 24 सितंबर को इसे मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी 2020 की वो थी स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। हर साल विश्व समुद्री दिवस सितंबर के जो अंतिम गुरुवार है उसको मनाया जाता है, और इस बार अंतिम गुरुवार है वो 24 सितंबर को होगा। इस वर्ष 24 सितंबर को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। यह समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण और शिपिंग सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। कई देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के साथ
विश्व समुद्री दिवस इसे मनाते हैं। 9 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो जो कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 30 सितंबर को। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 30 सितंबर को इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में। हर साल इसे 30 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन जो भाषा विश्व पेशेवर है उनके काम के लिए श्रद्धांजलि देने के उस अवसर पर प्रदान करता है। अगला है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर है उसको विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को हृदय रोग स्ट्रोक के बारे में सूचित करता है जो दुनिया में मौत का क्या है प्रमुख कारण माना जाता है। आगे देखेंगे इस वीडियो के जो टेस्ट है वो देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से पूछा गया है और इसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो दे लेते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर या 5 सितंबर। तो आपको बताना है टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके लिए 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। अपने राइट आंसर देंगे नीचे कमेंट के द्वारा और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को, और शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो जो है नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।